हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बेटर आइडिया में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि आप अपना लेबर कार्ड रिन्यूअल कैसे करवा सकते हैं राजस्थान में, और आपको लेबर कार्ड रिन्यूअल कराने के लिए क्या चाहिए, आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल बताएंगे, जिसके लिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के एंड तक। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहले बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, आपको राजस्थान में श्रमिक कार्ड रिन्यूअल कराने के लिए सबसे पहले राजस्थान SSO पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर आ जाना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी और यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना है, यहाँ पे आपको कैप्चा कोड भरना है। इसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है तो यहाँ पे आप पंजीकरण पे क्लिक करके आप लॉगिन आईडी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपके सामने आगे का नया पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे लेबर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का लिंक दिखाई देगा, तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, आपके सामने इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको BOCW वेलफेयर बोर्ड का लिंक दिखाई देगा, यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी रिन्यूअल के लिंक पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने श्रमिक कार्ड का नंबर दर्ज करना है, और यहाँ पे आपको गेट डिटेल्स के लिंक पे क्लिक करना है। राजस्थान श्रमिक कार्ड रिन्यूअल फॉर्म आ जाएगा, जिसमें मांगी गई सभी डिटेल आपको सही से भरनी है और आवेदन फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों, आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा रिन्यूअल। रिन्यूअल पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे पेमेंट का लिंक दिखाई देगा, तो इसके नीचे आपको यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको मॉड्यूल सिलेक्ट कर लेना है रिन्यूअल के लिंक पे, और यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी रिन्यूअल सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यानी जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला है वो डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद जितना भी पंजीयन शुल्क है वो आपको शुल्क जमा करा देना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद दोस्तों, आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, जिससे आप अपने आवेदन फॉर्म का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। अगर आप अपने आवेदन फॉर्म का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको इसी पेज में होम पेज में जाना है। होम पेज में आने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट मॉड्यूल में बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल का लिंक सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना है। यहाँ पे आपको सर्च के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप अपने आवेदन फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका आवेदन फॉर्म अप्रूवल हुआ या रिजेक्ट हुआ है, और इस तरह से आप राजस्थान में घर बैठे मोबाइल फोन से अपना श्रमिक कार्ड रिन्यूअल करा सकते हैं और रिन्यूअल स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान में रिन्यूअल श्रमिकों की लिस्ट चेक करना चाहते हैं तो आपको लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, इस लिंक पे जाके आप राजस्थान श्रमिक कार्ड की रिन्यूअल सूची में अपना नाम देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपका श्रमिक कार्ड रिन्यूअल हुआ या नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में राजस्थान में श्रमिक कार्ड रिन्यूअल से जुड़ी जानकारी दी है। अगर आपको कुछ जानकारी समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसी सरकारी योजनाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।